भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के कैनिंगटन ओवल में खेला जा रहा टेस्ट सीरीज का चौथा मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। शनिवार को सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के विदेशी सरजमी पर पहले शतक और टेस्ट स्पेशलिस्ट चेतेश्वर पुजारा की उमदा पारी के दम पर भारत ने जोरदार वापसी की। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी की, जिससे भारत को अब तक 171 रनों की बढ़त मिल चुकी है। शनिवार को एक मौका ऐसा भी आया जब पुजारा की बैटिंग से इंग्लिश गेंदबाज परेशान हो गए और उनका ध्यान भटकाने के लिए उनसे पंगे लेने लग गए, लेकिन यहां पुजारा ने अपने स्टाइल से ही उनका काम नहीं बनने दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रेग ओवरटन के बारे में, जो पुजारा की शानदार और तेज बल्लेबाजी से परेशान दिख रहे थे। क्रेग ओवरटन भारतीय पारी का 49वां ओवर डाल रहे थे, जिसमें पुजारा ने पहली और तीसरी गेंद पर चौका जड़ इंग्लिश टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। इसके बाद जब पुजारा ने ओवरटन की चौथी गेंद को डिफेंस किया तो बॉल सीधे ओवरटन के हाथों में चली गई। इसके बाद इंग्लिश गेंदबाज ने पुजारा की तरफ वापस थ्रो करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने थ्रो नहीं किया। यहां पर सभी की नज़रें पुजारा पर थीं कि वे कैसा रिएक्शन देते हैं। पुजारा ने अपनी ख्याति के अनुरूप इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। इस पूरे वाकये को रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर देख रहे थे। इन वीडियोस ने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं। मैच की बात करें तो भारत के पास इस समय 171 रनों की लीड है, जबकि उसके पास 7 विकेट बाकी हैं। कप्तान विराट कोहली 22 और रविंद्र जडेजा 9 रन बनाकर अभी भी नॉट आउट हैं। आपको बता दें, दोनों ही टीमें इस समय सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।